गाइस हाय हाउ आर यू वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। आज मैं आपके साथ अपनी टॉप 5 सनस्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं या आप चाहते हो मैं आपके लिए होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करूं तो मैं बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिस प्रोडक्ट का आप कहेंगे मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी। आप जो मुझे होम रेमेडीज के बारे में जिस जैसे आपको स्किन ब्राइटनिंग वाइटनिंग या आपको एक्ने पिंपल जो भी आप मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपसे बताया कि मैं टॉप 5 सनस्क्रीन आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी सनस्क्रीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने सब यूज की हुई है और सारी की सारी 50 SPF है या फिर उससे ऊपर है, उससे नीचे कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 SPF से नीचे कोई भी सनस्क्रीन ट्राई नहीं की है, बिल्कुल ट्राई की है, लगाई हुई है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। और लेकिन जो हम लोग को जो सनस्क्रीन लगानी चाहिए ना उनको हमेशा 50, 45, 40 भी ठीक है, मतलब इससे कम तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। और समर्स आ गए हैं और समर्स में तो हमें मतलब सनस्क्रीन की बहुत ज्यादा नीड होती है। बिल्कुल हमें चाहे घर में रहे या बाहर जाएं हमें जरूर सनस्क्रीन ट्राई करनी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लेट गेट स्टार्टेड। ओके, जो फर्स्ट मेरे पास सनस्क्रीन है वो है जोवीज सन गार्ड SPF 60 3-in-1 मैट लोशन पैराबिन फ्री UVA UVB प्रोटेक्शन इवन टोन स्किन मॉइस्चर बैलेंस नेट वॉल्यूम 100 ml है और ये ऑल स्किन टाइप्स है। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 3-in-1 प्रोडक्ट है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करता है। आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी इसको जरूरत नहीं, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मॉइस्चराइजर की इसमें जरूरत नहीं होती है। इवन स्किन टोन करता है, ये आपके स्किन को इवन आउट बनाता है। इसका तो मैं आपको नहीं मतलब श्योर नहीं बता सकती क्योंकि मैं इसे अभी ट्राई कर रही हूँ, वैसे मैंने बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ और वैसे मेरे जो स्किन में है बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। इसका तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ ये इसका जो SPF है बहुत अच्छा वर्क करता है, जो SPF प्रोटेक्शन है और जो मॉइस्चर बैलेंस है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, सो इवन टोन भी करता ही होगा। आप लोग अगर ट्राई करें तो इसको प्लीज मुझे बताएं। इसका मैं आपको डिटेल अभी यहां नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसकी जो मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सो मैं इसका जो लिंक होगा वीडियो का वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज जाके वीडियो चेकआउट कर लेना तो आपको इसकी पूरी डिटेल मैं वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, ठीक है। इसका मैं बता देती हूँ कि ये 100 ml की क्वांटिटी है और जो इसके जो MRP है वो 335 rupees है लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इजिली आपको मिल जाएगा, आप इसको जरूर ट्राई करिए, ठीक है। इसकी आप डिटेल वीडियो प्लीज देख लेना, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूं, इसका टेक्सचर भी आपको नहीं दिखा रही हूं। नेक्स्ट जो मेरे पास सनस्क्रीन है वो है लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट जेल लाइट एंड नॉन स्टिकी SPF 50। जो जॉबीज है वो SPF 60 है और ये SPF 50 है, ओके। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बेस्ट है सनस्क्रीन क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पैराबिन और पैराफिन बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है और ये आपके मतलब स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल भी लाइट वेट है, बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है। जैसे नहीं आपको भी मैं एक सनस्क्रीन और शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा ड्राइंग बिल्कुल नहीं है, आप इसको लगा लोगे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलती है, हैवी नहीं लगती है और ड्राई हो जाती है। समर्स के लिए तो बेस्ट सनस्क्रीन है, इसे ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, आप बस थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें और देन इसको अप्लाई कर लें, आपको बिल्कुल भी ग्रीसीनेस तो ये होती ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई है जैसे मैट लिखा हुआ है, तो इसने पूरा अपना वर्क किया। एंड इसका मैं बता देती हूँ, इसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप प्लीज चेकआउट कर लेना। इसलिए इसका भी मैं आपको टेक्सचर एंड ऑल दैट नहीं दिखा रही हूँ और इसकी क्वांटिटी भी 100 ml है और इसकी MRP मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो MRP है वो है 450 rupees बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे इजीली मिल जाएगा लाइक 350 अबाउट समथिंग। मैं इसका परचेज सारे ही सनस्क्रीन के परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप चेकआउट कर लेना। और नेक्स्ट जो मेरे पास सनस्क्रीन है वो है न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शियर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50।
ये भी ये मेरी मेरी मोस्ट फेवरेट, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है। मैं इसे कभी कभी लगाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं इसको कभी कभी क्यों लगाती हूँ, क्योंकि ये हल्की सी ग्रीसीनेस फील कराती है, बट ये बहुत वर्किंग है गाइस, बहुत ज्यादा वर्किंग है, बहुत हल्की सी ग्रीसीनेस फील कराती है, बिल्कुल ज्यादा नहीं कराती है। ड्राई स्किन वालों के लिए समर्स में बेस्ट है ये, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। और इसकी जो क्वांटिटी है ये 30 ml है, इसका बड़ा ट्यूब भी आता है 80 ml का, आप लोग उसको भी ले सकते हो। और जो इसकी MRP है मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो MRP है मुझे दिख नहीं रही है, आई एम सॉरी, लेकिन ये अराउंड आपको 175-170, मैंने तो इसे बहुत, मैंने से तो इसे 135 आई थिंक खरीदा था फ्लिपकार्ट से। सो मैं इसका परचेज लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख चेकआउट कर सकते हो। ओके, इसका मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ, क्योंकि इसकी मैंने डिटेल में वीडियो नहीं डाली हुई है। ये देखिए, ठीक है, देखा आपने, ये है इस वाइट कलर का है इसमें, ठीक है। और ये देखिए, मैंने बहुत ज्यादा ले ली है, वो आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है ये, ठीक है। वाइट कास्ट नहीं देती है, आप इसको थोड़ा टाइम देंगे, 5 मिनट्स देंगे, देन ये अब्सॉर्ब हो जाएगी। आप ये देखिए, देख सकते हो आप लोग, आपको लगेगा थोड़ा सा ग्रीसीनेस हो रहा है, ये थोड़ा सा मेरी आईज को आई थिंक इरिटेट हल्का सा करती है, तो इसे वैसे भी यार आईज मतलब आईज एरिया के पास में हमें नहीं इतना कुछ भी लगाना चाहिए, सिर्फ आई प्रोडक्ट ही लगाने चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, अच्छी है, बस हल्की सी ग्रीसीनेस फील कराती है। तो मैं इसे डेली यूज नहीं करती हूँ, इसे मैं कभी कभी यूज करती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा, जैसे मुझे बाहर जाना है और बहुत ज्यादा धूप है, तब मैं इसको लगाती हूँ, क्योंकि बहुत वर्किंग है गाइस। नेक्स्ट जो मेरे पास सनस्क्रीन है वो है लोटस हर्बल की सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक ऑयल कंट्रोल SPF 50 UVB, ठीक है। इसमें लिखा है ये नॉर्मल टू ऑयली है, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, हाँ जब ये जून के जब समर्स आएंगे तो आप उसमें इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तब तो हम जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको भी थोड़ा सा ग्रीसीनेस फील होता है, सो आप इसको तब ट्राई कर सकते हो। मैंने तो इसे मतलब मैं ट्राई करती हूँ, इस समय मैंने इसको नहीं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैट हो जाता है, इतना ज्यादा ड्राई हो जाता है कि मतलब मेरे स्किन पर ड्राई पैच तक आ गया था, इसलिए मैं इस समय इसको बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। इसको मैंने अभी रखा हुआ है, इसको जून के गर्मियों के लिए रखा हुआ है, ठीक है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जब आप लगा लोगे ना तो आपके जैसे आप अपने स्किन को जब रब करोगे, ठीक है, ये देख लीजिए बिल्कुल जेल है, बहुत लाइट वेट है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल लाइट वेट है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छी है, ड्राई ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। इसको जब ऐसे ऐसे रब करते हैं मतलब फेस पे, तो लाइक ऐसे लगता है सिर्फ फेविकोल नहीं होता है तो वो जैसे निकलता है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है। ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको मैं रेकमेंड करूंगी। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें पैराबेंस हैं, मेथिल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, इसमें पैराबेंस हैं, और सल्फेट तो मुझे मैंने नहीं देखा, बट पैराबेंस हैं गाइस। अगर आप पैराबेंस बिल्कुल यूज नहीं करते हो तो इसको मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अगर कभी कभी आप लगाना चाहते हो और जिस दिन आपको बहुत ज्यादा ग्रीसीनेस फील हो रहा है और आप कोई कुछ ऐसा लगाना चाहते हो कि बिल्कुल पता ना चले, ड्राई हो जाए, तब आप इसको कभी कभी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पैराबेंस यूज नहीं करते हो तो आप इसको बिल्कुल भी ना परचेज करें। ओके गाइस, देन एंड लास्ट जो मेरे पास सनस्क्रीन है वो है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो सैंडलवुड SPF 50 UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन। ठीक है, तो ये जो सनस्क्रीन है मैं आपको बताती हूँ कि ये सनस्क्रीन मैं कैसे यूज करती हूँ, ये मैं डेली यूज करती हूँ। अब बात आती है कि मैं इसे फेस पर कैसे यूज करती हूँ, मैं इसे फेस पर नहीं यूज करती हूँ, ठीक है, मैं इसको अपने हैंड्स एंड लेग्स पे यूज करती हूँ, और क्योंकि ये बहुत हल्की सी ग्रीसी फील कराती है मुझे। सो पूरी देख लीजिए फिनिश हो चुकी है, क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ डेली। ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से रहेगा,
ठीक है, इसका जो एलोवेरा एंड कैरेट उसमें भी आता है टेक्सचर में, सो आप उसको ट्राई कर सकते हो सकता है मे बी वो ग्रीसी ना हो, बट ये हल्की सी है, सो इसलिए मुझे हैंड्स एंड लेग्स में इसको मैं लगाती हूँ रोज। और ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए हमारे हैंड्स एंड लेग्स, हमारे बॉडी के सारे एक्सपोजर एरियाज जितने भी हैं, हमें उन पे सनस्क्रीन बिल्कुल लगानी चाहिए, ताकि हमारे फेस के साथ साथ ऐसा ना हो कि हमारा फेस का कलर कुछ और है, हमारे हैंड्स के कलर कुछ और हैं। सो सब कुछ सेम रखने के लिए हमें अपने हाथ और पैर में भी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। और सारी सनस्क्रीन बहुत अच्छी हैं, आप जो आप ट्राई करना चाहते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो आपके लिए बस लोटस वाली में पैराबेंस हैं, और उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती कुछ। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसका लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप अवेयर हो सके। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देन Bye-bye.